वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, ये जो है एनुअल एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड जो क्लास 8 के वी स्कूल का है, मैथ का एनुअल क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है मैं इसको इसे जो है सिर्फ क्योंकि समय की कमी की वजह से और आपका एग्ज़ाम पास आ गया है, इसलिए मैं जो है मैं डायरेक्ट आपको जो है इसको वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। आप समझ में आ जाएंगे सभी क्वेश्चन, ये एनुअल पेपर से के ही है, उनके सोल्यूशन करके आपको दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने इसको जो है प्रैक्टिस करना है। तो ये मैं जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ तक देखिए क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन 5th नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मैं इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद 4, 3, और ये सब जो है इसमें पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस करिए, ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हैं आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया हुआ है। इन सब के आंसर सॉल्यूशन देखिए सब गिवन है सर, ये सिर्फ एक फाइनल जो है बूस्टअप डोज है आपके लिए, जो आपके काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के व्यू से। तो यहाँ पर 13, 14 और 15, तो इन सभी का आपके स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। मैं अगेन एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर है ये डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जो है सेक्शन वी, सेक्शन वी में ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप इजी वे में आराम से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इवेल्युएट वाले क्वेश्चन हैं, हमेशा आते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में, ये पावर एंड एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फैक्टराइज करना है, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ऐड का क्वेश्चन है 19 में देखिए, उसके बाद आइडेंटिफाई राइट द नेम ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव द, तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पर 21 क्वेश्चन तक इस पेज में गिवेन है, अगेन आप इसको देख लीजिए, आप आराम से इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लग रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 18 से लेकर है इसमें 21 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो सेक्शन सी है, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आप क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं आप, 22 नंबर से है। इसको आप नोट करिए आराम से और इसको जो है आपको सॉल्व करना है। इस तरह हमारे जो है और भी वीडियोस जो है इसमें पार्ट वाइज डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने मिक्स जो है 2 या 3 साल के मैंने उसे वीडियोस बना के जो है इसमें पार्ट वाइज डाले हुए हैं। और ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये है कि 3 से 4 साल के क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए बना के इसमें जो है यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के अंदर। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन देखिए, और ये 23 हो गया, ये 24 नंबर क्वेश्चन, ये आप नोट कर सकते हैं इसको आराम से और इसको आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको इसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर, तो मैं इसको अलग से एक वीडियो बना के इसको समझा भी दूंगा। तो अगेन आप देख सकते हैं 24, 23, उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे फाइंड अ मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, 9 साइड्स हैं, ये सभी क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो यहाँ पर जो है ये 15 साइड्स का है, तो ये देख सकते हैं ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्यन आदित्य क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।